हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन के भाग दो का पहला अध्याय, हमारा परिवार आवर फैमिली। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग हमारा परिवार अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है कि माता पिता और बच्चों से परिवार बनता है, यानी कि परिवार का निर्माण किससे होता है? तो परिवार का निर्माण होता है माता पिता और बच्चों से। ठीक है, परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी कि हमारा परिवार जो है वो हमारा परिवार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे कम लोग हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप हैं, आपकी माँ है, आपके पिता हैं, आपके एक भाई हैं या आपके एक बहन है, तो छोटा परिवार हो गया, है ना, वो छोटा हो गया। और अगर बड़ा परिवार की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके दादा दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ठीक है, चाचा चाची के लड़का लड़की हैं, आपके माता पिता, आप, तो इन सभी जो है, इन सभी लोग जो हैं, अगर एक साथ मिलकर के रहेंगे तो ये परिवार कैसा होगा? बड़ा परिवार होगा। तो परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है। उसके बाद है कि पिता परिवार का मुखिया होता है, यानी कि मुखिया जो है, मुखिया का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हुआ मुखिया मतलब कि उस घर का जो है एकदम मुख्य मालिक, मेन मालिक जो है। ठीक है, तो पिता जो है वो घर के मालिक होते हैं, घर के मुखिया होते हैं। पिता धन कमा कर लाते हैं, धन से घर का खर्च चलता है। पिता जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और वहां से धन कमा करके लाते हैं और उसी धन से घर का खर्च चलता है। जैसे खाने में जो खर्च हुआ, पढ़ने में खर्च हुआ, आप लोग वस्त्र पहनते हैं तो उस वस्त्र को खरीदने में जो खर्च हुआ, इन सभी का खर्च जो है पिता जो धन कमा करके लाते हैं उसी धन से खर्च चलता है। आगे आइए, आगे कहता है कि माता पिता बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, वे बच्चों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर देते हैं। आप अपने माता पिता से कहते हैं कि मम्मी हमको ये वस्तु चाहिए, है ना, हमको ये खिलौना चाहिए, हमको ये किताब चाहिए, आपको परचेज करते हैं, आपको खरीद करके देते हैं। वे घर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं। ठीक है, माता पिता जो है आपको घर के जितने भी कार्य होते हैं उसको सही ढंग से करते हैं। अधिकांश घरों में माँ घर के विभिन्न कार्य करती है, यानी कि माँ जो होती है अगर हाउसवाइफ हो गई, यानी कि गृहिणी अगर हो गई, तो वह घर की सभी कार्यों को करती है। और किसी किसी घर में आप लोग देखेंगे कि माँ जो है वह घर पे ना रह करके, जैसे आगे दिया है कि किसी किसी परिवार में माँ भी घर से बाहर कार्य करने जाती है। तो जब माँ जो है जब घर से बाहर कार्य करने जाती है तो वैसे समय में घर का कार्य जो है कोई करने के लिए किसी और को रखा जाता है ना। बच्चे माता पिता के कार्यों में हाथ बटाते हैं, हेल्प करते हैं, बच्चे भी अपने माता पिता के कार्यों में हेल्प करते हैं और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि वो आपके लिए जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि अपने माता पिता के कार्यों में आप मदद करें, उनका हेल्प करें। ठीक है, वे घर को साफ सुथरा रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, वे मेहमानों का स्वागत करने में भी उनकी सहायता करते हैं। कौन? बच्चे। ठीक है, बच्चे जो हैं वो घर को साफ सुथरा रखने में भी सहायता करते हैं, वे मेहमानों के स्वागत करने में भी उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, अच्छे परिवार में सभी लोग आपस में मिलजुल करके कार्य करते हैं, यानी कि जो सही परिवार होता है, अच्छे परिवार जो होते हैं उनमें सभी लोग, जहाँ पर झगड़ा झंझट नहीं होता है, ठीक है, तो वैसे परिवार में सभी लोग आपस में मिलजुल करके कार्य करते हैं और सभी लोग जो है खुशी का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो आगे है, परिवार दो प्रकार के होते हैं। अभी हम आप लोग को बताएं कि परिवार छोटे भी हो सकते हैं, परिवार बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक हो गए एकाकी परिवार यानी कि सिंगल फैमिली और दूसरा हो गया संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली। आइए बारी बारी से हम लोग एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल फैमिली के बारे में देखते हैं। तो सिंगल फैमिली में भी दो तरह के फैमिली होते हैं, एक होते हैं एकाकी छोटा परिवार यानी सिंगल स्मॉल फैमिली, और एक होते हैं एकाकी बड़ा परिवार यानी कि सिंगल लार्ज फैमिली। तो सबसे पहले हम लोग एकाकी छोटा परिवार के बारे में देखते हैं। तो एकाकी छोटे परिवार में माता पिता और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, यानी जिस परिवार में माता पिता और उनके एक या दो बच्चे होते हैं वैसे परिवार को
एकांकी छोटा परिवार यानी कि इंग्लिश में सिंगल स्मॉल फैमिली कहा जाता है। एकाकी परिवार छोटा परिवार होता है, छोटे परिवार की आवश्यकताएं बड़े परिवार की तुलना में कम होती है ना। अब बड़ा परिवार को कोई भी कार्य करना होगा तो उसको जिस तरह से मान लेते हैं कि उसको कोई चीज की किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे मान लेते हैं कोई खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, घर पर भोजन बन रहा है, चावल की आवश्यकता है, तो कम फैमिली है तो कम चावल लगेगा, ज्यादा अगर परिवार के सदस्य अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा चावल की आवश्यकता होगा। तो वही कह रहा है कि छोटे परिवार की आवश्यकताएं जो है वो बड़े परिवार की तुलना में क्या होती है, कम होती है। रहने के लिए मकान भी बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता है। जब बड़ा जब परिवार में जब सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी तो अधिक घरों की आवश्यकता पड़ेगी, और जब सदस्य की संख्या कम होगी तो कम घर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अतः यह कहा जा सकता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार हो सकता है। ठीक है, क्यों कहा गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो इसीलिए कहा गया ताकि छोटे परिवार की आवश्यकताएं कम होती है। ठीक है, वो किसी भी चीज की जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो कम पड़ेगा ना, जैसे मान ले खाने के लिए कोई आवश्यकता पड़ गया, कपड़ा पहनने के लिए आवश्यकता पड़ गया, तो उनकी आवश्यकता कम पड़ रहा है। और वहीं पर अगर बड़े परिवार रहते हैं तो वहां पर आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि छोटा परिवार जो है वह सुखी परिवार होता है। उसके बाद अगला है एकाकी बड़ा परिवार यानी कि सिंगल लार्ज फैमिली। तो एकाकी बड़े परिवार में माता पिता और उनके दो से अधिक बच्चे होते हैं। हम लोग एकाकी छोटे परिवार में क्या देखें कि माता पिता और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, लेकिन एकाकी बड़े परिवार में माता पिता और उनके दो से अधिक बच्चे होते हैं, ऐसे परिवार को हम लोग एकाकी बड़ा परिवार कहते हैं। तो ऐसे परिवार की आवश्यकताएं जो है, अब बच्चा जब ज्यादा है तो परिवार के सदस्य जैसे ही ज्यादा होंगे आवश्यकता तो बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे परिवार की आवश्यकताएं भी अधिक होती है और रहने के लिए अधिक स्थान की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी परिवार की आय कम रहने के कारण बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। यानी कि मान लेते हैं कि घर के जो मुखिया है, मान लेते हैं पापा जो हैं, वह पापा का पेमेंट जो है, आय जो है मंथली जो उनको आ रहा है वो कम हो गया, और सदस्य ज्यादा हैं तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सही ढंग से पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, और यही अगर जब छोटा फैमिली होगा, ठीक है, एकाकी स्मॉल फैमिली जब होगा, सिंगल स्मॉल फैमिली, तो वैसे फैमिली में जो है जो आय आएगा उससे अच्छी तरह से उनकी आवश्यकताएं पूरा हो जाएगी। आइए अगला परिवार है संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली। तो संयुक्त परिवार भी एक बड़ा परिवार होता है और इसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची एवं उनके बच्चे भी रहते हैं, यानी कि पूरे मतलब बहुत सारे सदस्य इसमें रहते हैं। आपके मम्मी पापा आप तो हैं ही, और उसके साथ साथ आपके चाचा चाची, है ना, ताऊ ताई, ठीक है, और उसके बाद आपके दादा दादी, ठीक है, सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे हम लोग परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर उनकी ठीक से देखभाल हो जाती है। बड़ा परिवार है, जब किन्हीं का तबीयत जब खराब होता है तो अच्छी तरह से उसकी देखभाल होती है कि नहीं। बच्चों को दादा दादी, चाचा चाची एवं भाई बहनों सभी का प्यार मिलता है। यानी कि बड़े परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं तो बच्चों को सबका प्यार मिलता है। मम्मी पापा का तो प्यार मिल ही रहा है, चाचा चाची का भी प्यार मिलता है, दादा दादी का भी प्यार मिलता है ना। घर के सारे लोग मिलकर सारा कार्य शीघ्र एवं आसानी से कर लेते हैं। यानी कि जब कोई भी कार्य होता है तो अगर सदस्य कम होंगे तो करने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं, जो संयुक्त परिवार होते हैं, उनमें सदस्यों की संख्या तो ज्यादा होती है, और इसलिए जो है वो किसी भी कार्य को बहुत जल्दी जो है कम समय में जो है कर लेते हैं। कभी कभी संयुक्त परिवार में बहुत सी बातों को लेकर झगड़े भी हो जाते हैं। तो बड़ा फैमिली है, बड़ा परिवार है, तो कभी कभी तो झगड़ा होना ही है कि नहीं। तो बड़े परिवार होते हैं तो उसमें कभी कभी किसी बात को लेकर के झगड़े भी हो जाते हैं, और सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, और वो चाहते कि नहीं झगड़ा हो रहा है आपस में, अब हम लोग अलग अलग रहते हैं। तो संयुक्त परिवार को रहने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग एकाकी परिवार में पढ़े कि जब परिवार छोटा है रहने के लिए जगह कम चाहिए, और जब परिवार बड़ा है तो रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो एकाकी परिवार संयुक्त परिवार के टूटने से बनता है। यानी कि
जो छोटा परिवार का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो संयुक्त परिवार यानी कि जो बड़े परिवार होते हैं उसके टूटने से जो है छोटे परिवार का निर्माण होता है। और अब जो है धीरे धीरे जितने भी संयुक्त परिवार हैं वो सब धीरे धीरे टूट करके जो है अब वह एकाकी परिवार में परिणत हो रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना। इसलिए बदल रहे हैं ताकि जब ज़्यादा फैमिली रहेंगे तो किसी बात को लेकर के झगड़ा होगा, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएगी अच्छी तरह से, और जब छोटा परिवार रहेगा तो सभी काम जो है उनकी आवश्यकताएं भी अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी, है ना। उसके बाद है कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, सर्वप्रथम बच्चा परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, यानी कि जो बच्चों को जो पहला शिक्षा मिलता है वह शिक्षा भी बच्चों को कहाँ से मिलता है, तो वह शिक्षा बच्चों को परिवार से ही मिलता है। सबसे पहले बच्चा जब छोटा रहता है तो उसी समय से तो उसको स्कूल में नहीं भेज दिया जाता है, वो अपने परिवार जिस प्रकार से उनके माता पिता दादा दादी चाचा चाची जिस प्रकार की बात उनको सिखाते हैं वो उसी तरह की बात सीखते हैं और वो उसी तरह से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चा परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप जो है वह व्यवहार करता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो इस अध्याय में हम लोग हमारा परिवार इस पूरे अध्याय का अच्छी तरह से अध्ययन किए, आपको हम अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किए, ठीक है। और इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग जो है इस अध्याय से रिलेटेड जितने भी अभ्यास करने के लिए दिए हुए प्रश्न दिए हुए हैं या फिर रिक्त स्थान दिए हुए हैं इन सभी को हम लोग इन सभी का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।